ऐसा नहीं है भाई, सर्दियां जा रही है लेकिन सुपर कोचिंग पर डिस्काउंट भी तो आ रहा है। सुपर कोचिंग लेकर आ रहा है विंटर फेयरवेल सेल, जहां पर सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। यार सर्दियों के साथ बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, जैसे जैसे हमारी टाइम पास वाली मूंगफली और गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय, और खाने के बाद ये गजक सब चला जाएगा यार सर्दियों के साथ। ऐसा नहीं है भाई, सर्दियां जा रही है लेकिन सुपर कोचिंग पर डिस्काउंट भी तो आ रहा है। सुपर कोचिंग लेकर आ रहा है विंटर फेयरवेल सेल, जहां पर सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो डेली की तरह आज फिर हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट, जिसमें आज हम लोग दूसरे दिन मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सो वेरी गुड आफ्टरनून भूमि, अमित, रमेश, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैंने 100 क्वेश्चन रखा है, ठीक है? तो ट्राई करिएगा कि 80 प्लस आप लोगों के मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? आज मैंने 100 क्वेश्चन रखा है तो 80 प्लस मार्क्स आप लोगों को लेकर आना है। और बाकी इसके अलावा ये जो 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन में कैसे प्रिपरेशन हमें करनी है, इसके लिए आज 4 बजे मैं अलग से एक सेशन लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो ये टेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आपको भी एक आइडिया मिल सके कि लास्ट मोमेंट पर हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, 3 दिन में कैसे हम प्रिपरेशन करके मैक्सिमम मार्क्स जीए में ला सकते हैं। तो उसके लिए अलग से एक सेशन करेंगे अभी 4 बजे। फिलहाल ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून पूजा, प्रशांत, अतुल, नव्या, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, विंटर फेयरवेल सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अगर अभी आप परचेस करेंगे तो उस पर आपको 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। लाइक अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक परचेस करना है तो 899 रुपीज में मिल जाएगा। UIICAO 471, NICL 471, IBPSPU 629 और SBI क्लर्क 449 रुपीज में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है, तो जिनको भी कोर्स परचेस करना है आप अभी परचेस कर लीजिए। एंड PDF आपको क्लास की कहाँ पर मिलेगी, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी, आपको कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 80 प्लस मार्क्स का टारगेट आप लोगों को रखना है कि 80 प्लस मार्क्स लेकर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज मेजर्ड बाई दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, CPI के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, रिटेल इन्फ्लेशन हमारे यहाँ CPI के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, खुदरा मुद्रा स्फीति, ये अक्टूबर मंथ में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये कितना था, अक्टूबर मंथ का पूछा गया है, याद रखिएगा। WPI, CPI, GST, है ना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, GDP हो गया, CPI हो गया, WPI हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन, इसका करेक्ट आंसर है 4.87%। तो 4.87% इज द राइट आंसर, और यहाँ पर ये कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है? CPI की अगर हम बात करें तो ये अगस्त मंथ में 6.83% था, सेप्टेम्बर में 5.02%, अक्टूबर में 4.87, नवंबर में 5.55, दिसंबर में 5.69 और जनवरी में ये 5.1% है। तो यहां पर आपको जनवरी, दिसंबर और नवंबर का याद रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आपको जनवरी, दिसंबर और नवंबर का याद रखना है। अच्छा ठीक है, मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं अगर हम बात करें WPI की, तो ये जनवरी में कितना है, 0.27%, दिसंबर में 0.73%, नवंबर में 0.26%, अक्टूबर में -0.52, सितंबर में -0.26 और अगस्त में ये था -0.52। ये सारी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में प्रोवाइड की है, अभी लास्ट वीक ही प्रोवाइड किया था, ठीक है? क्योंकि जनवरी का जो इंडेक्स है वो लास्ट वीक में आया था, है ना? तो लास्ट वीक में मैंने ये लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की थी, बट फिर भी जिन लोगों के पास नहीं है, जो इस क्लास में आते हैं, मॉर्निंग क्लास में नहीं आते, ये उनके लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द US इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड? US इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा?
जल्दी जल्दी आंसर बताइए, रैपिड फायर की तरह करना है 100 क्वेश्चन ही, इतने आराम आराम से आंसर नहीं बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजय कुमार इज द राइट आंसर। सो वेरी वेल डन नवीन, नवीन ने करेक्ट आंसर बताया है। नेक्स्ट वन इज विराट कोहली बिकेम्स द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरी इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज कोहली अचीव दिस पोजिशन। कल मैंने आपसे पूछा था जब इन्होंने 49 सेंचुरी बनाई थी तो कितने इनिंग्स में बनाया था, आज आपसे पूछा जा रहा है कि 50th सेंचुरी इन्होंने कितने इनिंग्स में बनाया था। दोनों क्वेश्चन अलग है। ओके वेरी वेल डन, 279 इज द राइट आंसर। कल हमने 49 वाला पूछा था जिसमें 277 था, आज हम 50 वाला पूछ रहे हैं जिसमें 279 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? दो में से कोई एक भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज वन टू प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट हेल्ड इन कुआला लंपुर मलेशिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मलेशिया के कुआला लंपुर में आयोजित एशियाई तेल और गैस पुरस्कार समारोह में किस कंपनी ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? क्योंकि क्रिकेट में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ना, इसलिए क्रिकेट वाले क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर है गेल। गेल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द वैक्लो हेवल सेंटर। वैक्लो हेवल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेल डन, सलमान रुश्दी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप। ये भी पता होगा आप लोगों को। बताइए विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वेरी गुड, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर, है ना? रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया ओवर अंडर टूक बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया? वेरी वेल डन, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ये बोंगो से हम लोगों ने याद किया था, है ना, बांग्लादेश। नेक्स्ट वन इज विच सिटी सेट्स गिनीज रिकॉर्ड बाई लाइटिंग 22 लाख दिया। ये तो पता ही होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 22 लाख दिया जलाकर कौन से शहर ने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया दीपावली के ओकेजन पर? ओके वेरी गुड, अयोध्या इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। हु इज द सिंगर ऑफ अबेंडेंस इन मिलिट्स सॉन्ग दैट वाज नॉमिनेटेड? आंसर तो दिख रहा है, दैट वाज नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड। इसका करेक्ट आंसर है फाल्गुनी शाह, ठीक है? इसको नॉमिनेट किया गया था ग्रैमी अवार्ड के लिए अबेंडेंस इन मिलिट्स सॉन्ग को। सिंगर कौन है? फाल्गुनी शाह। एकदम क्लियरली आंसर दिख रहा है, और इसको भी अगर आप लोग गलत बताएंगे तो ऐसे चुल्लू भर पानी में ना मुंह धुल लीजिएगा, डूबना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट पास द बिल विच इंक्रीजेस द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया है जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है? ओके वेरी वेल डन, बिहार, है ना? सो बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द AIFF फीफा एकेडमी एस्टैब्लिश्ड अंडर द फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम सेट टू बी इनॉग्रेटेड। फीफा प्रतिभा विकास योजना के तहत स्थापित AIFF फीफा एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड, भुवनेश्वर ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व एनुअली? विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाते हैं? वासुदेव जी इतनी हिंदी में भी आंसर नहीं बताना है। ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 नवंबर। 16 नवंबर इज द राइट आंसर। वेरी गुड अमित मिथिलांचल। चलिए नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी विल द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन January 2024। जनवरी 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर किया गया? वेरी गुड, फरीदाबाद इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट वन इज हु इनॉग्रेटेड द थर्ड हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 एट शिवाजी स्टेडियम?
हाँ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को रटे हुए हैं ये तो पता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभाग राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया। वेरी गुड, हरदीप सिंह पुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द रिसिपिएंट ऑफ द गढ़ सामर की लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इजी इजी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, किसको सिलेक्ट किया गया है। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप। हाँ वेरी वेल डन, सुरेश वाडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच डिक्शनरी डिक्लेयर्ड हेलुसिनेट एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। इनमें से कौन सी डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेल डन, कैम्ब्रिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग बोथ कंट्रीज डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। किन दो देशों ने दोनों देशों के गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणालियों को जोड़ने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किन दो कंट्रीज ने। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया एंड यूएस। वेरी वेल डन अतुल, आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, इंडिया आपने बता दिया, बाकी एग्जामिनर खुद तो डिसाइड कर लेगा कि दूसरा कौन सा था, है ना। तो एग्जामिनर खुश हो कि आपको हाफ मार्क्स तो दे ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट रिसेंटली बिगेन नियर वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान इन्वॉल्विंग ऑल थ्री विंग्स ऑफ द मिलिट्री। सो हाल ही में राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पास शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल हैं। ओके, त्रिशक्ति प्रहार है ना, तीनों विंग्स इसमें शामिल हैं, तो ऑपरेशन का नाम क्या है, त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट वन इज विच ईयर डज द वुड मैक रिपोर्ट प्रिडिक्ट फॉर इंडिया टू ओवरटेक साउथ ईस्ट एशिया इन मॉड्यूल प्रोडक्शन। वुड मैक रिपोर्ट किस वर्ष भारत के मॉड्यूल उत्पादन में दक्षिण पूर्व एशिया से आगे निकलने की भविष्यवाणी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 है ना, नेक्स्ट ईयर 2025 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनिटरी पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने कितने अमाउंट का मॉनिटरी पेनाल्टी इम्पोज किया है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही जाने पहचाने से ऑप्शन है, एकदम क्लोज है आंसर। ओके, 90.92 लाख है ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है और यहाँ पर लाख लिखा हुआ है, तो 90.92 लाख होगा। मैंने बोला ना कि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, बहुत ध्यान से देख के बताना है। चलिए, नेक्स्ट वन इज विच प्लेस हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024 बाय लंदन बेस्ड लग्जरी ट्रेवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट। आपको बताना है लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कॉन्डे नास्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी रटा हुआ है आप लोगों को। वेरी गुड, कोची इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कोची। नेक्स्ट वन इज इन नवंबर 2023 विच बैंक हैज लॉन्च यूपीआई लाइट टू पावर स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन को सशक्त बनाने के लिए यूपीआई लाइट लॉन्च किया। अच्छा, बहुत मेहनत से याद किया है। हाँ तो बहुत मेहनत से याद करने के बाद ही तो रटा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई विच ईयर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये न्यूज भी हमने पढ़ी थी। बताइए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी कौन बन गया है। वेरी गुड, 2027 इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है अभी रिसेंटली, है ना, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री का है, आंसर बताइए। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री का है।
जर्मनी, जर्मनी ने किसको पीछे छोड़ दिया है, जर्मनी ने किसको पीछे छोड़ा है, जर्मनी ने किसको पीछे छोड़ा है, जापान को। वेरी वेल डन। बट इंडिया क्या करेगा, 2027 तक इन दोनों को पीछे छोड़ देगा और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। बट ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, वेरी गुड, ईशा अंबानी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अशोक वासवानी हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। इसका आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वासवानी जी को किस बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है? वेरी वेल डन, कोटक महिंद्रा बैंक इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका आंसर क्या होगा, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा इज दी राइट आंसर। वेरी वेल डन एवरीवन, आलोक शर्मा इज दी राइट आंसर। हु एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, द प्रोविंस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। प्रांत की सर्वोच्च मान्यता ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया प्राप्त करने पर किसने आभार व्यक्त किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसे दिया गया? जब इनको मिला तभी तो इन्होंने आभार व्यक्त किया। ओके, रियान रेनॉल्ड इज दी राइट आंसर। किसी ने बताया, हाँ अक्षय पटेल ने बताया। वेरी वेल डन अक्षय। सो रियान रेनॉल्ड इज दी राइट आंसर। वेरी वेल डन पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति टेकिंग प्लेस। आपको बताना है मित्र शक्ति का जो 9th एडिशन है ये कहाँ पर हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है? ओके, वेरी गुड, पुणे इज द राइट आंसर। मित्र शक्ति किन दो कंट्रीज के बीच में होता है, कमेंट करके बताइए। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु रिसेंटली अचीव द ग्राउंड ब्रेकिंग फीट ऑफ स्काई डाइविंग नियर माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के पास स्काई डाइविंग की अभूतपूर्व उपलब्धि किसने हासिल की? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। चलिए इसका आंसर, शीतल महाजन। शीतल महाजन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज सेट टू होस्ट दी 96th एकेडमी अवार्ड इन 2024 फॉर दी फोर्थ टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, चौथी बार 2024 में 96th एकेडमी पुरस्कार की मेजबानी कौन करेगा? वेल डन, जिमी फैलन इज दी राइट आंसर। यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला हैज इनॉग्रेटेड द 2 डे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इन विच सिटी? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया? ओके, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। विच वॉज दी ओपनिंग फिल्म एट दी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन रटा होगा आप लोगों को। वेरी गुड आफ्टरनून आयुष, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? वेरी वेल डन, कैचिंग डस्ट। और क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी, क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी? फेदर वेट, है ना, फेदर वेट ये क्लोजिंग फिल्म थी और कैचिंग डस्ट ये ओपनिंग फिल्म थी। कहां पर हुआ था 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये हुआ कहां पर था? कहां पर हुआ था ये, गोवा। वेरी वेल, वेरी वेल जन। द सी बकथॉर्न ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली गॉट जीआई टैग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न को हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है? इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी तक मोस्टली आप लोगों के सभी आंसर सही हो रहे हैं, तो आई होप सो कि 80+ मार्क्स आप लोग लेकर आएंगे। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज दी राइट आंसर। तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन हैज वन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच नॉवेल? तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस उपन्यास के लिए साहित्य की जेसीबी पुरस्कार जीता है?
इसका आंसर क्या होगा? फायर बर्ड, हाँ आग वाला पक्षी, ठीक है, फायर बर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेनिस पेल्सियोस हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023, मार्किंग हर कंट्रीज फर्स्ट विन एट द इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट, शी इज फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, ओके वेरी गुड, निकारागुआ इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है निकारागुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्टार बैटर विराट कोहली हैज बीन अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फॉर हिज एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस। कोहली स्कोर्ड अ टोटल ऑफ हाउ मेनी रन इन वर्ल्ड कप 2023? भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। विश्व कप 2023 में कोहली ने कुल कितने रन बनाए थे? वेरी वेल डन, 765, बहुत इजी है, 5, 6 और 7 याद कर लीजिए, है ना, 5, 6, 7 याद हो जाएगा, बस उल्टा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया लिफ्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, डिफीटिंग इंडिया बाय 6 विकेट इन द फाइनल एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। विथ दिस विन ऑस्ट्रेलिया हैज वन द ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल हाउ मेनी टाइम्स टिल? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, रटे हुए हैं। 6 टाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 20th नवंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2023? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व बाल दिवस 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? ओके वेरी गुड, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। अच्छा मुझे ये बताइए, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट ये कोई स्कीम भी है? किसी स्टेट ने लॉन्च किया था ये? जो इसी सेम नाम से एक स्कीम है, एवरी चाइल्ड एवरी राइट, किसने लॉन्च किया था, कौन से स्टेट ने? यूपी, वेरी वेल डन अमित, सो यूपी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी? किस संगठन ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ वेसल लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी? ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना द्वारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए चौथे पोत का नाम क्या है? वेरी वेल डन एवरीवन, आमिनी इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन? अभी जस्ट मैंने आपसे ये पूछा था, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया है? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है यूपी। नेक्स्ट वन इज, धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय इन विच स्टेट? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय को लॉन्च किया? ओके वेरी वेल डन, ओडिशा इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ 195.75 बिलियन डॉलर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? वेरी गुड, थर्ड इज द राइट आंसर, टॉप पर कौन है, टॉप पर कौन है बताइए जल्दी से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ ओपन एआई? ओपन एआई का इंटरिम सीईओ किसे अपॉइंट किया गया था? ओपन एआई का इंटरिम सीईओ किसे अपॉइंट किया गया था? वेरी गुड, मीरा मुराती इज दी राइट आंसर। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बैग द दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर? ये भी इंपॉर्टेंट है, पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? वेरी वेल डन, दीप्ति बाबूता इज दी राइट आंसर। विच स्टेट हैज वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023?
वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में अंतरदेशीय मत्स्य पालन के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ओके, यूपीएससी, राइट आंसर, वेरी वेल डन एवरीवन। व्हेन इज वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? विश्व स्तर पर महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है 19 नवंबर। इस दिन मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, याद है ना आप लोगों को, मेंस डे भी 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हु वर ज्वाइंटली अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ओके, वेरी गुड। आईएमए एंड ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इन द 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच कंट्री इलेक्टेड जावियर मिले एज इट्स प्रेसिडेंट? 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में किस देश ने जावियर माइली को अपना राष्ट्रपति चुना? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, वेरी वेल डन, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि अर्जेंटीना आपका न्यूज में रहा है, एक तो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए है ना, दूसरा इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना भी कर दिया है ना, तो अर्जेंटीना बहुत सारे रीजन की वजह से न्यूज में रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल्ड टू कॉन्फर द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर टू द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज? हाँ, लिथियम ब्लॉक भी, एग्जैक्टली प्रदीप, वो भी अर्जेंटीना से रिलेटेड है, तो अर्जेंटीना बहुत सारे रीजन की वजह से न्यूज में रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, 1st ऑफ दिसंबर इज द राइट आंसर। 1st दिसंबर को हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं और वो डे एग्जाम में भी आया हुआ है, कोई मुझे बताएगा 1st दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 1st दिसंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? एनीवन? एड्स डे। ओके, वेरी वेल डन, एड्स डे ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल सर्व एज द हेड ऑफ द 5 मेंबर ऑफ जूरी फॉर द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख के रूप में कौन काम करेगा? वेरी वेल डन, राजकुमार हिरानी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सकन विच सिटी हैज टॉप्ड इन वीमेन लेड स्टार्टअप? स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सकन के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर शीर्ष पर है, मतलब वो कौन सी सिटी है जहां पर वीमेन लेड स्टार्टअप सबसे ज्यादा स्टार्ट हुआ है, ये भी हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट टाई अप विद एचडीएफसी लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए एचडीएफसी लाइफ के साथ कॉर्पोरेट गठजोड़ किया है? आंसर शो कर गया था। ओके, वेरी वेल डन, कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। +1 मार्क्स ले जाइए, एक और बार आंसर शो कर गया था, +2 मार्क्स आप लोगों को मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नवंबर 2023 ल्यूक फ्राइडेन वॉज स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग, व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग? इसका आंसर क्या होगा? ल्यूक फ्राइडेन ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, लग्जमबर्ग की करेंसी क्या है? यूरो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरो। नेक्स्ट वन इज विनय एम टोंसे हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 2 ईयर? विनय एम टोंसे को 2 साल के लिए किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर, वेरी वेल डन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अब क्योंकि एसबीआई है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई एको एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? एको ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? वेरी गुड, आर माधवन इज द राइट आंसर। Who has won the Formula One Las Vegas Grand Prix 2023? Formula One Las Vegas Grand Prix 2023 किसने जीता? Okay, very good. Max Verstappen is the
राइट आंसर। विच एडिशन ऑफ द इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 कमेंस्ड एट द ज्वाइंट ट्रेनिंग नोट उमराए। आपको बताना है कि जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, इस बार ये कौन सा एडिशन था जो कि उमराए मेघालय में कंडक्ट कराया गया था। ओके, 14th इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 14th। वेरी वेल डन राज, वेरी वेल डन साधना, वेरी वेल डन मिथिलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ओके, 21st ऑफ नवंबर इज द राइट आंसर। दाइसाकू इकेदा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। दाइसाकू इकेदा का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे। आंसर, ओके, इसका करेक्ट आंसर है सोका गाकाई, है ना, सोका गाकाई इज द राइट आंसर। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हैज रिसेंटली पास्ड अवे। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी और हाल ही में उनका निधन हो गया। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेल डन, जस्टिस फातिमा बीवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन वर डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये भी इम्पोर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीमा लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों का कितना प्रतिशत निपटान किया गया। वेरी गुड, 92.28% इज द राइट आंसर। इसको भी याद करना इजी है, 2.2 लिखना है, इधर 8 लिखना है, इधर 9 लिखना है, ठीक है। 2.2 लिखा, इधर 8 और इधर 9, तो 92.28 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडिया 2024 आउटलुक फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2024। सिंपल सा क्वेश्चन है कि गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंगली जीडीपी 2024 के लिए कितना है। ओके, 6.3% इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड ऑफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 22 नवंबर टू 6 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी उसका नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, ऑस्ट्र हिंद इज द राइट आंसर। ऑस्ट्र हिंद किसके बीच में होता है, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू किए गए नए त्वरक कार्यक्रम का नाम क्या है। आंसर, वेरी गुड, राइज इज द राइट आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ राइज। आपको राइज का फुल फॉर्म याद करना है, दैट इज रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। हम बहुत ही रैपिड से चीजों को इनोवेट करेंगे और स्टार्टअप को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो राइज का फुल फॉर्म क्या है, रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप एक्सपेंशन। तोड़ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर न्यू मेंटोर। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना नया मेंटोर किसे नियुक्त किया है। वेरी गुड, गौतम गंभीर इज द राइट आंसर। द S&P ग्लोबल प्रोजेक्ट्स दैट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन बैंक्स विल डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर 23-24। S&P के अकॉर्डिंगली फिजिकल ईयर 23-24 तक NPA कितने परसेंट तक डिक्रीज हो जाएगा। ओके, 4.5%, और ये किसने कहा है, S&P ने कहा है, ठीक है। आ गया एस वेंकट रमनन, अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI पास्ड अवे रिसेंटली। ही इज RBI's विच गवर्नर। RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं एस वेंकट रमनन जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो RBI के कौन से नंबर के गवर्नर थे। वेरी गुड, 18th इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट कोलेब्रेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वॉज साइंड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO। विन वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एग्रीड अपॉन। आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा पारंपरिक और पूरक चिकित्सा पर परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पहली परियोजना पर सहमति कब हुई थी, ईयर बताना है।
ओके वेरी गुड, 2016 इज दी राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ओन्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको हम GRSE बोलते हैं, है ना। इन्होंने 8 ASW शेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें से जो आमिनी है ये कौन से नंबर का शिप है, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 शिप बनाए जाएंगे, जिसमें से आमिनी ये कौन से नंबर पर है ये बताना है। वेरी गुड, फोर्थ इज द राइट आंसर, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8 बनाए जाएंगे, जिसमें से आमिनी ये फोर्थ नंबर पर है। वेर इज द आशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज, इसका आंसर क्या होगा, आशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। वेरी गुड, जकार्ता इंडोनेशिया। हु लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन बाई ब्रह्म कुमारीज इन सांबलपुर ओडिशा, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की। वेरी गुड, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इज द राइट आंसर। विच रीजन इन जम्मू एंड काश्मीर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द GI टैग फॉर इट्स सैफ्रॉन, जम्मू एंड काश्मीर के कौन से रीजन को अभी रिसेंटली वहां के सैफ्रॉन यानी कि केसर के लिए GI टैग दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किश्तवर, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, किश्तवर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द लास्ट वेगास ग्रैंड प्रिक्स, ये भी हमने किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैक्स वर्स्टैपेन। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण एक्सरसाइज ही इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। वेरी गुड, नेपाल इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेपाल। Who has become the fourth Indian to be honored with Pakistan's highest civilian award? Important है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? Okay, very well done. Dr. Saidna Mufaddal Shaifuddin, ठीक है। Next one is in which state the famous goldfish has been given the status of the state fish? इसको हम गोल्ड फिश भी बोलते हैं, कौन से स्टेट ने गोल्ड फिश को या फिर घोल फिश को अपने स्टेट का स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर, और डॉल्फिन को किसने बोला है, डॉल्फिन को कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है, डॉल्फिन यूपी। वेरी वेल डन अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who recently became the second youngest to win the National Squash Championship title? आपको बताना है हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Very well done. अनाहत सिंह is the right answer. Who recently announced the commencement of the first ever खेलो इंडिया पैरा गेम्स? हाल ही में किसने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत की घोषणा की? वेरी गुड, अनुराग सिंह ठाकुर इज द राइट आंसर। आज आप लोगों के आंसर गलत नहीं हो रहे हैं क्या, कल सही नहीं हो रहे थे, आज गलत नहीं हो रहे हैं? वेरी वेल डन। वेयर विल द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड बी प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर, 26 नवंबर को 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? गुवाहाटी असम, ठीक है, असम गुवाहाटी इज द राइट आंसर। सो वेरी वेल डन अमित, वेरी वेल डन भूमि, वेरी वेल डन मिथिलांचल साधना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन इंडिया साइटिंग परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज द प्राइमरी रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? वेरी गुड, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। हुज रीअपॉइंटमेंट एज द MD एंड CEO हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बंधन बैंक। बंधन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है? चंद्रशेखर घोष इज द राइट आंसर। Where is the 17th edition of the joint military exercise Suri Kiran organized? आपको बताना है सूर्य किरण एक्सरसाइज का जो इस बार 17th edition था
ये कहां पर कंडक्ट कराया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड स्थित। राइट आंसर, वेरी वेल डन निखिल। निखिल ने करेक्ट आंसर बताया है मिथिलांचल। आयुष, पूजा, वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज पॉइज्ड टू एज्यूम द रोल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इन 2024? कौन सा देश 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष की भूमिका संभालने के लिए तैयार है? इंडिया इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट द 2 GW अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 GW अल दफरा सौर फोटोवोल्टेइक स्वतंत्र बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज दी राइट आंसर। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल अनवेल्ड? किस भारतीय राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया? तेलंगाना इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। हाउ मेनी इंडियन वीमेन आर फीचर्ड इन द BBC 100 वीमेन 2023 लिस्ट? BBC 100 महिला 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेल डन। 4 इज द राइट आंसर। चारों का नाम बताइए। चलिए चारों महिलाओं का नाम बताइए फटाफट से। हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट टाइटल विनर इन द हिस्ट्री ऑफ द सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023? इसका करेक्ट आंसर है अनाहत सिंह। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने किया था। विच इंडियन स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन हैज अर्न्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड सिक्योर्ड अ स्पॉट ऑन द यूनाइटेड नेशन WTO's प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडीज? किस भारतीय राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन ने वैश्विक मान्यता अर्जित की है और UN WTO की केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में एक स्थान हासिल किया है? वेरी गुड। केरला इज द राइट आंसर। हु हैज लॉन्च द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कंपेन इन ओडिशा? ये भी हम लोगों ने किया था। ये वही है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। हाउ मच इज द फाइनेंसिंग प्रोग्राम एम्ड एट सपोर्टिंग इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड कॉरपोरेट्स? आपको बताना है कि भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और कॉरपोरेट्स का समर्थन करने के उद्देश्य से वित्त पोषण कार्यक्रम कितना है? क्वेश्चंस वो रिपीट हो रहे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, वो आई थिंक दोबारा बना दे रही थी मैं, इस वजह से क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। कोई बात नहीं, आपका रिविजन हो रहा है। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है 100 मिलियन पाउंड्स। वॉट वॉज द रिपोर्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियंस क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इन अक्टूबर? अक्टूबर में भारतीयों के क्रेडिट कार्ड खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी ले आएंगे, अभी फिलहाल लो लेवल का तो कर लेते हैं, लास्ट डे स्टेटमेंट बेस्ड लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर। वेरी वेल डन। 40% इज द राइट आंसर। वेयर इज साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी या फिर डार्क स्काई रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, ये लोकेटेड है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? वेरी गुड, हेनले लद्दाख। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डार्क स्काई पार्क भी बना था कोई किसी स्टेट में, कहाँ पर है डार्क स्काई पार्क? ये डार्क स्काई का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती है, नेचुरल डार्कनेस होते हैं। महाराष्ट्र। वेरी वेल डन। हु अनवेल्ड द डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्टैच्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट प्रीमिसेस इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर 2023? आज मॉर्निंग में स्टैच्यू का जब रिवीजन करा रहे थे तब मैंने ये पढ़ाया था, आज मॉर्निंग में ही कराया था। वेरी गुड। द्रौपदी मुर्मू जी इज द राइट आंसर। वॉट इज द न्यू नेम गिवेन टू द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को दिया गया नया नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदिर। हाँ, एग्जैक्टली।
आयुष्मान आर्यों के मंदिर इज द राइट आंसर। सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस मंदिर याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दैट एम्स टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील्स टू द रेजिडेंट्स। क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है हॉट कुक्ड फूड स्कीम, है ना, हॉट कुक्ड मील स्कीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन दक्ष। मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया? वेरी वेल डन, बिहार इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बिहार। इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेट टू बी ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट 2 to 3 month इज लोकेटेड इन। इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये कहां पर बन रहा है? आंसर इसका बताइए क्या होगा। ओके वेरी गुड, दामोह इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरिश राइटर पॉल लिंच रिसेंटली वन द प्रेस्टीजियस बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। विच ऑफ हिज नॉवेल आपको बताना है। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने हाल ही में अपने किस उपन्यास के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेल डन, प्रॉफिट सॉन्ग इज द राइट आंसर। ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया दिस ईयर मार्किंग द 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भूमि थोड़ा और पढ़िए, है ना, जब पढ़ेंगी तभी समझ में आएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर है 26th of November। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हो गए। मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। 4 बजे फिर से हमारा सेशन है जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दूंगी कि 2 से 3 दिन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि जीए में आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सके। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब लोग बताते हैं, है ना, कि कब ज्वाइन, मतलब कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट लास्ट मोमेंट पर कितना पढ़ना है 2 से 3 दिन में वो मैं आपको बताऊंगी। 4 बजे हमारी क्लास फिर से होगी। ठीक है, एंड बाकी एक बार फिर से जाते जाते आपको याद दिला दें, विंटर फेयरवेल सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अभी आप परचेस करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ मिल जाएगा और सिलेक्शन के बाद आप फुल रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तो रिफंड आपको मिल जाएगा, बट कोर्स को परचेस करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है प्रिया टी। इस कोड को यूज करिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मार्क्स नहीं बताए आप लोगों ने, जल्दी से मार्क्स बताइए। हाँ, लास्ट मोमेंट पर चिल करना चाहिए, 4 बजे बताएंगे ना कि कब चिल करना है, कब पढ़ाई करना है। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे 4 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिथिलांचल के 77 मार्क्स हैं, अमित के 91 मार्क्स हैं। ओके वेरी वेल डन, चलिए सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं 4 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।